ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन एंड फिट एंड हेल्थी. ओके, सो यस्टरडे वी स्टडीड द चैप्टर सेकंड, लेट्स लर्न प्राणायाम. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड प्राणायाम एट होम? प्लीज रेज योर हैंड. किन किन बच्चों ने घर पे कल प्राणायाम किया? मैंने आपको बताया था ना. यस, वेरी गुड आरव, पुलकित, वेरी गुड अक्षिता, मयंक, प्रिंस, सबने किया करते प्राणायाम. ठीक है, ठीक है. ओके, सो डे बिफोर वी स्टडीड चैप्टर सेकंड, लेट्स लर्न प्राणायाम. आई टोल्ड यू अबाउट द प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई समराइज दिस चैप्टर. ओके, आई टोल्ड यू अबाउट प्राणायाम. ओके, सो in this chapter there are two characters, Shivam and Nitin. Shivam and Nitin were student of class 5. One day they went to a park. They saw many people in the park. Children were playing, and in the middle of the park some people are sitting and making different poses. They were curious. Ab dekh kiske liye aaya tha, Shivam aur Nitin ke liye. They were curious to know about it. There was a yoga teacher who was giving instructions and somebody asked what is pranayam. उन्होंने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है. So the teacher said that pranayam is control and extension of the breath. प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम क्या होता है? हमारे जो जो सांस होती है उसको क्या करता है? नियंत्रण और विस्तारण करता है. Okay student, so it has lots of benefits. आपको बताया ना, मैंने आपको इस दिन benefits के बारे में बताया था प्राणायाम के. प्राणायाम क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके बहुत सारे benefits होते हैं. देखिए, it slow down heart rate, हमारी जो heart rate है उसको slow करता है. Reduce blood pressure, हमारा जो blood pressure होता है उसको क्या करता है? Reduce करता है. Relax body and mind, हमारे क्या करता है? Body और mind को stress free करता है, हम relax feel करते हैं. And it increase our life expectancy. ठीक है, तो मैंने आपसे डिस्कस करा था कि प्राणायाम क्या होते हैं और उसके बेनिफिट क्या होते हैं. आफ्टर दैट वी स्टडीड द स्टेप ऑफ द प्राणायाम. मैंने आपको वन बाय स्टेप बताए थे ना प्राणायाम के. सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है. तो मेनली तीन स्टेप मेन है इसके अंदर. तीन स्टेप कौन कौन से थे इसके अंदर? एक का पूरक, कुंभक और प्रेक्षक. वंस अगेन आई रिपीट, पूरक में क्या होता है? पूरक इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन. पूरक के अंदर हम क्या करते हैं? ब्रीथ इन करते हैं. ओके, और कुंभक के अंदर फिर हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं. एंड रेचक, रेचक में हम क्या करते हैं? ब्रीथ आउट करते हैं. तो मेनली ये जो तीन स्टेप हैं, इसी के ऊपर हमारा हमको क्या करना होता है? प्राणायाम करना होता है. ठीक है, अब आपको ये भी बताया था कि प्राणायाम क्यों जरूरी है. प्राणायाम इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी देखिए आपको पता है ना, कोरोना चल रहा है. कोरोना के अंदर अगर हम जितना हम प्राणायाम करेंगे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? बढ़ाएगा. इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा, इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेगा. जैसे हम प्राणायाम डेली करेंगे, आप करेंगे, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके पेरेंट्स, सब हम प्राणायाम करेंगे, तो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा. जैसे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो हमको डिजीज से हम क्या रहेंगे? दूर रहेंगे. ठीक है, ओके. सो मैंने आपको अभी जो हमने पढ़ा था डे बिफोर, उसको मैंने आपको समराइज किया. अब मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ एक्टिविटी फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, सो एक्टिविटी है आपकी फर्स्ट, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर. अब देखो यहाँ पर आपको फाइव इमेजेस दिख रही है. आर द फाइव इमेजेस ऑफ द प्राणायाम, फाइव इमेजेस है. अब हमको वन बाय वन उस इमेज को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. देखिए, फर्स्ट इमेज क्या थी आपकी? सिर्फ कामली ऑन द मैट, आपको आप आराम से मैट पे बैठे थे. उसके बाद आपने क्या करना था? पद्मासन लगाना था. तो हियर आर द फर्स्ट इमेज, दिस इज अ फर्स्ट इमेज ऑफ प्राणायाम. This is a first image. Now, second image is last second image. Last
देखिए सेकंड इमेज है, उसके बाद क्या था, हमने कौन सी प्रोसेस करी थी, पूरक प्रोसेस करी थी। जो पूरक प्रोसेस थी उसके अंदर आप क्या कर रहे थे, पूरक प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया था, ब्रीथ इन करी थी, आउट करी थी, ब्रीथ इन करी थी। तो सेकंड प्रोसेस क्या थी, जिसको हमने किसे प्रेस किया था, थंब से प्रेस किया था ना आपने, प्रेस योर राइट नोस्ट्रल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल एंड डू दिस टिल योर लंग आर फुल। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड दिस इज अ सेकंड इमेज एंड दिस इज अ थर्ड इमेज। थर्ड इमेज कौन सी है आपकी, उसके बाद क्या था, आपकी कुंभक प्रोसेस, जिसको हम क्या कर रहे थे, कुंभक प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम, आपको पता है कुंभक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, होल्ड हो रही थी, है ना। तो होल्ड करने के लिए ये है आपकी थर्ड प्रोसेस। यू कैन सी माई कर्सर, आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, दिस इज ए थर्ड इमेज। ओके स्टूडेंट, एंड फोर्थ इमेज इज हेयर, लास्ट इमेज इज हेयर इज अ फोर्थ इमेज। ओके स्टूडेंट, and this is a fifth image and this one is a fifth image. Okay student, so this is a first image, this is the first image, okay, clear student, this is a first image, second is here and third is here and fourth is last one and fifth is last second image. Okay student, now we move on the second question, match the name with picture. ab aapko kya karne hain, name karne hain, आपको क्या करना है, मैच करना है पिक्चर से, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या है, फर्स्ट इमेज, फर्स्ट क्या है, कुंभक, कुंभक की, कुंभक किसे आप बताइए, देखिए कुंभक क्या है, किसे, ये जो लास्ट थर्ड इमेज है ये क्या है, कुंभक। ओके, आप अपने पास पेंसिल रखिए और मैच करिए अपनी बुक पे। ओके स्टूडेंट, लास्ट एंड सेकेंड इमेज इज रेचक, रेचक में क्या करना है आपके, रेचक, रेचक में क्या रहा था, आप बिल्ड आउट कर रहे थे ना उसमें, तो देखिए रेचक, ये वाली इमेज, फर्स्ट इमेज कौन सी है, रेचक, एंड पूरक इज, सेकंड इमेज इज पूरक, ठीक है, सेकंड इमेज कौन सी है, पूरक की। सो कीप योर पेंसिल एंड मैच द, मैच ऑन द बुक। ओके, नाउ वी मूव ऑन द सी पार्ट, एक्टिविटी फर्स्ट, दिस इज write a true false, true write true false, okay, write t for true and f for false statement. So shivam went to the park with raju one day, shivam kiske sath gaya tha park, raju ke sath gaya tha kya, sorry ye kya hai, false hai, kyun, shivam kiske sath gaya tha, nitin ke sath gaya tha, theek hai, to ye kya hai, false hai. Next, they saw some people making poster in the middle of the park. वे क्या कर रहे थे? They saw some people making poster. क्या वहाँ पर poster बना रहे थे या poses बना रहे थे? बताइए, वहाँ पर वो क्या बना रहे थे? Poses बना रहे थे, तो poster नहीं बना रहे थे, तो ये क्या है? False है. Okay student. Next, the control and extension of breath is called pranayam. Control and extension of breath. is called pranayam. यही बताया था मैंने आपको, तो ये क्या है, करेक्ट है, ट्रू। नेक्स्ट, प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट, प्राणायाम इंक्रीज करता है क्या हमारे हार्ट रेट को, प्राणायाम क्या करता है, स्लो डाउन करता है हमारे हार्ट रेट को, तो ये क्या है, फॉल्स है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, इवनिंग क्या है, बेस्ट टाइम है प्राणायाम करने का, नहीं, मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट टाइम क्या प्राणायाम करने का, मॉर्निंग है, ठीक है स्टूडेंट। तो मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन जब हम इवनिंग में प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमको 4 आवर्स का गैप होना चाहिए, तो इवनिंग इज द बेस्ट टाइम है, नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट इज, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, सही है, कुंभक की जो प्रोसेस की है उसमें हम ब्रीथ को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, तो ये क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन द क्वेश्चन D. Answer the following question. Okay, where did Nitin and Shivam
go one day in the morning. Nitin और शिवम कहाँ गए थे? बताइए आप. Nitin and Shivam कहाँ गए थे? Nitin and Shivam ran to a park. One day कहाँ गए थे? One day in the morning, Nitin and Shivam went to a park. कहाँ गए थे? Park गए थे. Okay, student. Next question is, what is pranayam? Pranayam क्या होता है? So, I told you, pranayam is control and extension of the breath. Pranayam क्या होता है? Pranayam is a control and extension of the breath. ठीक है? Next one, what are the benefits of pranayam? Pranayam के क्या-क्या benefits हैं? अभी डिस्कस करा था ना थोड़ी देर पहले हमने. देखिए, प्राणायाम स्लो डाउन हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट रेट है उसको स्लो करती है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करती है? रिड्यूस करती है. रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करती है. एंड इट आल्सो इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको क्या करती है? बढ़ाती है. ओके स्टूडेंट, have you understood the benefits of the pranayam? Okay, now fourth question is, what is pura? Pura kya hota hai? वैसे तो आप एक सिंपल लाइन में भी लिख सकते हैं पूरक क्या होता है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको डिफाइन करना है कि पूरक की प्रोसेस क्या होती है. ओके, इन दिस पूरक प्रोसेस राइट नोस्टल इज प्रेस्ड विद राइट हैंड. पूरक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो राइट नोस्टल होता है इसे हम प्रेस करेंगे राइट हैंड थम से. जो हमारा जो राइट हैंड का थम है उसे हम क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे. देन वी ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्टल, और फिर हम जो हमारा जो लेफ्ट नोस्टल है उसको हम धीरे 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 उसे क्या करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे. This is done till the lungs are full. ये हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो लंग्स है फुल नहीं हो जाता. हम तब तक क्या करेंगे, हम अपनी ब्रीथ इन करते रहेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्टल व्हाइल डूइंग ब्रेचक. हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्टल, आप अपना राइट नोस्टल किससे क्लोज करते हैं व्हाइल डूइंग ब्रेचक. ब्रेचक करते समय आप अपना राइट नोस्टल को किससे क्लोज करते हैं? अभी पूरक के अंदर मैंने बताया था ना, पूरक प्रोसेस में ब्रीथिंग हो रहा था तो हम किससे प्रेस कर रहे थे, हम अपने नोस्टल को थंब से. लेकिन जब हम रेचर करते हैं तो हम अपने राइट नोस्टल को किससे प्रेस करेंगे, हम अपने राइट नोस्टल को अपने रिंग फिंगर से प्रेस करेंगे. सो आंसर इज, व्हाइल परफॉर्मिंग रेचर वी क्लोज द लेफ्ट नोस्टल विद आर रिंग फिंगर. हम अपने रिंग फिंगर से क्या करेंगे, अपना जो आपका जो लेफ्ट नोस्टल है उसे हम प्रेस करेंगे. ये प्रोसेस कब होती है, जब हम रेचर करते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड आंसर स्टूडेंट. नाउ वी मूव ऑन द एक्टिविटी सेकंड. एक्टिविटी सेकंड के अंदर मैं आपको क्या करना है, फिल इन द मिसिंग लेटर to complete the words given below. क्या करना है कि आपको जो letters missing है ना आपको उसको fill करना है. तो अपना जो first है क्या लिखा हुआ है, N dash S T R dash L. तो अभी एक word आया था अपने book में, क्या आएगा बता सकता है कोई? देखिए, N O S T R I L nostril. ये क्या है, नोस्टल. जैसे कल आपको बताया था ना कि हम जब भी प्राणायाम करते हैं तो लेफ्ट नोस्टल और राइट नोस्टल, कभी लेफ्ट को प्रेस करना है कभी राइट को प्रेस करना है, तो वो क्या कहलाते हैं, नाक के छिद्र कहलाते हैं. मैं भी आपको एक पिक्चर शेयर करूंगी नोस्टल की. ठीक है, तो स्पेलिंग क्या होगी, प्लीज कीप अ पेंसिल विद यू एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, एन ओ एस टी आर आई एल. नेक्स्ट इज P R dash dash T H dash. आपको समझ आ रहा है क्या है वर्ड? देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज B R E A T H E. मीन्स क्या होता है, ब्रीथ. मैं रिपीट करती हूँ, B R E A T H E. मीन्स क्या आएगा, ब्रीथ मतलब सांस. नेक्स्ट वन इज हाई.
th dash gh, तो th i g h क्या हो जाएगा, ये थाई हो जाएगा। इसका मतलब थाई का मतलब आपको पता है, आपके लेग्स के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम थाई बोलते हैं। नेक्स्ट बोन नंबर इज हम th dash mb, मींस क्या है th u m b थम। नेक्स्ट इज a n a n k l e एंकल, a m k l e एंकल। सिक्स नंबर इज r dash l dash dash s e, मींस क्या होगा पता आपको क्या है इसमें, r e l e a s e रिलीज, समझ गए आप क्या हो जाएगा इसमें, रिलीज मींस मुक्त होना, सेट फ्री। ओके क्या स्पेलिंग बनेगी, r e l e a s e रिलीज। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट, ओके दिस इज आवर एक्टिविटी सेकंड एंड वी मूव ऑन द एक्टिविटी सेकंड का पार्ट बी का। ओके नाउ दिस इज अ पार्ट बी ऑफ एक्टिविटी सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। ये क्या है, तीन प्रोसेस देखो आपको दिखाई दे रही है ना, कुंभक रेचक और पूरक, ये तीन प्रोसेस दिखाई दे रही प्राणायाम की। तो अब कुंभक क्या होती है, रेचक क्या होती है, पूरक क्या होती है, इसके बारे में आपको आपको देखिए मैं बोल रही हूँ और आप अपनी कॉपी में बुक में नोट डाउन करेंगे। देखिए कुंभक इज, कुंभक क्या होता है, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। ओके कुंभक क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी ब्रीथ को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ओके स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट इज रेचक, रेचक क्या होता है, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, रेचक की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रीथ को क्या करते हैं, आउट करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो रेचक में प्रोसेस में ब्रीथ आउट करते हैं। ओके आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द लास्ट ऑफ द सेशन। ओके एंड द पूरक, पूरक क्या होती है, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, पूरक क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है जिसमें हम ब्रीथ इन करते हैं। ओके स्टूडेंट सो हैव यू अंडरस्टूड द थ्री प्रोसेस, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एंड द पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। ओके so now we move on the next activity, activity third. So before starting this activity I'm sharing a slide of conjunction, so the student आपकी जो ये एक्टिविटी थर्ड है उसको समझने से पहले मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं पहले आपको कंजक्शन के बारे में बताऊँ कि कंजक्शन क्या होते हैं जिससे आप ये एक्टिविटी थर्ड को आप कर सकेंगे। देखिए देखिए कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शंस आर वर्ड्स विच कनेक्ट सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंजक्शन क्या होते हैं, सेंटेंसेस और क्या होते हैं, कंजक्शंस आर वर्ड्स, ये क्या वर्ड्स होते हैं विच कनेक्ट सेंटेंसेस, जो क्या होते हैं सेंटेंसेस को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जो वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। और मैं ये कहूँ कि कंजक्शन इज लाइक अ ग्लू, कंजक्शन क्या करता है, एक ग्लू का काम करता है कि दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को जॉइंट करने के काम आता है। तो कंजक्शन आपको ध्यान रखना है, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन वर्ड्स होती है, ठीक है, जो दो सेंटेंस को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को जॉइंट करने के काम आते हैं। ठीक है
एग्जाम्पल जैसे देखिए एंड हम यूज करते हैं कंजक्शन एंड बट येट और बिकॉज आपके इस चैप्टर के अंदर कंजक्शन जो सेंटेंसेस है उसमें कंजक्शन यूज हुए हैं तो मेनली आपके इसके अंदर तीन कंजक्शन यूज हुए हैं देखिए एंड बट और आपके तीन कंजक्शन कौन कौन से यूज आते हैं एंड बट और तो अब मैं आपको इसका यूजेज बताऊंगी कि एंड कैसे यूज करेंगे बट कहाँ पे यूज होता है और कहाँ पे यूज आएगा. देखिए स्टूडेंट हाउ टू यूज कंजक्शन को कैसे यूज करते हैं तो सबसे पहले है हमारा एंड एंड कंजक्शन. द कंजक्शन एंड इज यूज टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट हैव रिलेटेड और सिमिलर आइडियाज. कंजक्शन क्या होते हैं कि आपके जो एंड जो कंजक्शन आता है जॉइन वर्ड्स जो वर्ड्स को जोड़ने के और सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है लेकिन दैट हैव रिलेटेड और सिमिलर आइडियाज जो आपके जो भी सेंटेंस के अंदर एक जैसे सिमिलर आइडियाज होते हैं ना उनको जोड़ने के काम आता है और एड इंफॉर्मेशन और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन एड करने के काम आता है. तो अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट इज द कंजक्शन और. Conjunction or is used to join words and sentences in order to show choice. अब देखिए जो conjunction or है वो क्या काम आता है तो words और sentence को जोड़ने के काम तो आता है लेकिन किधर use आता है in order to show choice. Choice में show आता है कि आपको चाय चाहिए कॉफी चाहिए आपको पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए तो इसके लिए हम जो conjunction use करेंगे or. And the next is The conjunction but is used to suggest or contrast. जो conjunction but है ना वो कहाँ पर use आता है contrast के लिए suggest और contrast. Contrast का मतलब जो condition होती है थोड़ी सी different हो जाती है condition. ठीक है तो उसके लिए हम conjunctions का use करेंगे but use करेंगे लेकिन आप मैं अभी इनको example के through समझाती हूँ. देखिए first है and conjunction. The conjunction and is used to join words and sentences that have related or similar ideas. देखिए student, example, most people work in a day and sleep and at night. बहुत से लोग क्या करते हैं दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं तो दो सेंटेंस है देखो मोस्ट पीपल वर्क इन अ डे एक सेपरेट सेंटेंस है एक सेपरेट है स्लीप एट नाइट. अब हम ये भी बोल सकते हैं मोस्ट पीपल वर्क इन अ डे एंड द मोस्ट पीपल स्लीप एट नाइट. तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दो सेंटेंस है ना इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया है एंड यूज किया है तो क्या बन गया बहुत से लोग दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं मतलब सिमिलर आइडियाज है उसको हमको क्या किया हमने दो सेंटेंस को आपस में जॉइन किया. ओके स्टूडेंट शी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक. अब देखिए शी बॉट अ शर्ट अब देखिए यहाँ पे बॉट क्या है सेकंड फॉर्म में बाय की. एक बॉट होता है एक ब्रॉट होता है ठीक है दोनों का मीन्स अलग अलग होता है. एक ब्रॉट बी आर ओ यू जी एच टी होता है उसका मतलब तो क्या होता है लाना ड्रिंक की सेकंड फॉर्म और ये ब्रॉट है बाय. ओके शी बॉट अ शर्ट वो शर्ट लेके आई और साथ में क्या लेके आई बुक लेके आई. ओके स्टूडेंट तो इसके लिए हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया एंड. नेक्स्ट हिज फेवरेट स्नैक्स आर केक एंड बिस्कुट्स. अब देखो उसके फेवरेट स्नैक्स क्या थे केक है और बिस्कुट है. अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं तो अगर मैं आइसक्रीम ऐड कर दूं तो आइसक्रीम या और कुछ चॉकलेट ऐड कर दूं तो देखो हिज फेवरेट स्नैक्स आर केक बिस्किट एंड. अब देखो केक बिस्किट अगर तीन होंगे या चार होंगे कोई भी लिस्ट होगी ना तो जो सबसे एंड वाला जो लिस्ट का नाम होगा उससे पहले हम कंजक्शन एंड यूज करेंगे. केक बिस्किट्स एंड चॉकलेट ठीक है. ओके स्टूडेंट तो केक अगर दो ही हैं तो हमने दोनों के बीच में क्या यूज किया एंड यूज किया केक्स एंड बिस्किट. अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि अभी इधर आपने चैप्टर आपने देखा था तो उसके अंदर दो करेक्टर आए थे. दो करेक्टर क्या क्या नाम थे उसके शिवम और नितिन. तो जब ये दोनों को हमको दो वर्ड्स हैं दोनों वर्ड्स जो नेमिंग वर्ड उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं शिवम एंड नितिन तो हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया एंड कंजक्शन यूज किया. अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट इज बट कंजक्शन.
The conjunction but is used to suggest or contrast. ठीक है, जो conjunction but होता है ना वो mainly contrast के लिए use आता है. Contrast के लिए मतलब कि विरोधाभास, एक थोड़ा बहुत हमको लगता है कि एक दूसरे के थोड़ा सा opposite है. Okay? देखिए example के through समझते हैं. He is poor but honest. वो क्या है? गरीब. He is poor मतलब गरीब है, but honest मतलब परंतु ईमानदार है. वह गरीब तो है लेकिन क्या है? ईमानदार है. Next, the stick was thin, but it was strong. जो stick है, वो क्या है? Thin है, मतलब पतली है, but it was strong. लेकिन साथ में क्या है? वो strong भी है. समझ गया आप? Stick, अब देखो, stick क्या है? Thin है, मत पतली है. अब हम सोचेंगे stick पतली है तो ये जल्दी से टूट सकती है, लेकिन नहीं, but it was strong. कंट्रास्ट आ गया ना यहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच में. तो जब दोनों सेंटेंस के बीच में कंट्रास्ट आएगा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? हम बट यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज इट वॉज अ सनी डे, ठीक, बट द विंड वॉज कोल्ड. ठीक है, इट वॉज सनी डे. सनी डे का मतलब क्या है? बहुत गर्म दिन है, सनी है ना. बट द विंड वॉज कोल्ड, लेकिन जो हवा कैसी है? बहुत ठंडी है. अब जनरली हम ये सोचते हैं कि बहुत गर्मी आज तो हवा भी क्या होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए. लेकिन दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट है ना थोड़ा सा, तो क्या यूज किया हमने कंजक्शन? क्या यूज किया? बट इट वॉज अ सनी डे, बट द विंड वॉज कोल्ड. तो विंड कैसी थी? कोल्ड थी. अब देखिए हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है, द कंजक्शन और इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू शो चॉइस. ठीक है, अब देखो हमने एंड कंजक्शन पता चल गया आपको कैसे यूज करते हैं, बट पता चल गया कैसे यूज करते हैं. अब हमारे जो कंजक्शन और है, द कैसे यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू शो चॉइस. अब हमारे पास कोई भी चॉइस होती है, ठीक है, कोई भी चॉइस होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? और कंजक्शन यूज करेंगे. यू कैन राइट योर पेपर विद अ पेंसिल और अ पेन. तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने पेपर पे या तो पेन से लिख सकते हो या पेंसिल से लिख सकते हो. और आ गया ना बीच में, या तो पेन या तो पेंसिल. वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, है ना, आप क्या लेना पसंद करेंगे? कॉफी या टी, दोनों में चॉइस आ गई ना आपके पास कि आपके क्या प्रेफर होगा, कि आपने पहले आप क्या चुनेंगी, ये ना वुड यू प्रेफर. कोई हमारे घर में आता है तो हम उससे ही पूछते हैं ना कि आप क्या आप लेना पसंद करेंगे, है ना. तो उसके लिए चॉइस आती है ना, तो चॉइस के लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? और कंजक्शन यूज करेंगे. देखिए हियर द एग्जांपल कंजक्शन और. वी कैन ईट पिज्जा, वी कैन ईट बर्गर, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना. देखिए वी कैन ईट पिज्जा और बर्गर, हम पिज्जा या बर्गर खा सकते हैं. तो इसके लिए दोनों के लिए हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया? और कंजक्शन. सो द स्टूडेंट द टाइमिंग इज रनिंग आउट, सो आई एम एंडिंग माय सेशन. ओके स्टूडेंट, सो टुमारो वी विल डू द एक्टिविटी थर्ड. सो इससे पहले आपको घर पे आपको वापस से कंजक्शन आपको रिपीट करना, आपको देखना है कि कंजक्शन एंड बट और कहां पर यूज आएगा. ओके स्टूडेंट, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अ क्वेश्चन.